हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट ही कवर करेंगे। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास, टोटल वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे आपका पोस्ट के हिसाब से आपका सैलरी स्केल रहेगा, लेकिन जो आपकी टीचिंग पोस्ट है वहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट कवर हो रहे हैं। प्लस यहाँ पर आपका एक हिंदी डिपार्टमेंट भी कवर हो रहा है, जो हमारे व्यूअर ने डिमांड करी थी कि हमको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट चाहिए। तो अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपकी डिमांड क्या है, आपके सजेशन क्या है, तो हम उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलो और सारी डिटेल हमने आपके लिए वीडियो में कवर कर दी है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल रहेगा। तो बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और रुको रुको, जरा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको इस टाइप की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज्ड हुई है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लाइक आपको कौन कौन सी पोस्ट रिलीज्ड हुई है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन और आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। प्लस ऑनलाइन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और उसके बाद आपको अपनी हार्ड कॉपी भी सबमिट करानी है, तो उससे रिलेटेड आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन की आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी और कुछ भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह यहीं पर मिल जाएगी अप्लाई करने के लिए। तो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की 2nd of June और हार्ड कॉपी सबमिट कराने की रहेगी 6th of June। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी। 150 रुपीज़ रहेगी फॉर SC, ST, EWS and PH कैंडिडेट के लिए और 300 रहेगी लाइक OBC एंड अनरिजर्व के लिए। ठीक है, ऑनलाइन पे करनी है, डिमांड ड्राफ्ट के या कोई और अदर मोड के द्वारा आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। उसके अलावा तो आपको नॉर्मल नॉर्मल डिटेल्स मेंशन कर रखी है और आपको रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगी अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, तो ऐसी नॉर्मल डिटेल्स है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको एज लिमिट भी मेंशन कर रखी है। उसके अलावा हम चलते हैं पोस्ट के ऊपर कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपकी पोस्ट कवर हुई है। जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट यहाँ से आपकी कवर हुई है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपकी टीचिंग पोस्ट। हाँ, वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, और आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो 11th मंथ का है। तो चलो टीचिंग पोस्ट पे आते हैं। आपको डिपार्टमेंट मेंशन कर रखा है हिंदी, 60,000 आपकी फॉर द टीचिंग पोस्ट में आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ की। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इंग्लिश, स्पेशल एडुकेशन, टीचर एडुकेशन, मैनेजमेंट, हिंदी। हिंदी के हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने डिमांड करी थी हिंदी से रिलेटेड वैकेंसी, तो आप इस पोर्टिकल नोटिफिकेशन को कंसिडर कर सकते हो। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, गुजराती, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, संस्कृत, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशल एडुकेशन, टीचर एडुकेशन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट रिलीज हुई है। एसोसिएट में आपकी सैलरी स्केल है 60,000, असिस्टेंट में आपका सैलरी स्केल है 40,000। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी रिसर्च एडवाइज़र की, 40,000 आपकी सैलरी रहेगी। स्टेटिस्टिकल एनालिटिक्स में आपकी रहेगी 25,000। फिर है आपकी रीजनल डायरेक्टर, कौन कौन से प्लेसेस में हैं, सूरत, राजकोट, भुज, पठान, गोधरा, भावनगर, अहमदाबाद, सूरत। असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर में है आपके पोस्टिंग सूरत एंड राजकोट में। फिर है आपकी भुज, पठान, गोधरा, भावनगर एंड अहमदाबाद। उसके अलावा है आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, रेडियो इंजीनियर, स्टूडियो मैनेजर। यहाँ पे आपकी ना जो सैलरी है वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, तो आप वो देख सकते हो, मैं आपको सिर्फ पोस्ट बता रही हूँ। स्टूडियो मैनेजर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर कम विजन मिक्सर ऑपरेटर, रेडियो कंटेंट क्रिएटर एंड कोऑर्डिनेटर, सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर, अकाउंटेंट, डिप्टी रजिस्ट्रार, लीगल असिस्टेंट, PA to VC, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर एंड कैंपस सुपरवाइजर। ठीक है, तो 82 आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है एंड 80 आपकी टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट ऐसी देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे आप सब PG के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी जो नॉन टीचिंग वगैरह की जो पोस्ट थी उस पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ आपको, यहाँ पे सारी डिटेल आपको मेंशन कर रखी है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आप रीड कर सकते हो जौन से भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अब हम चलते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे। तो ये आपका अप्लाई नाउ का लिंक है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का, कोई भी डिफ़िकल्टी आपको फेस नहीं होगी। फिर भी होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, प्लस अपने सजेशन भी बताइए। ठीक है, चलो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल का
ढेर सारा प्यार दे, हैप्पी डे एंड स्टे।